अमेरिका के फिलाडेल्फिया में भारी गोलीबारी, अब तक 3 की मौत, 11 लोग घायल। नेपाल में हुआ बड़ा हादसा, रोहिणी नदी में गिरी बस, 9 लोगों की हुई मौत। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने के मामले में बीजेपी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा को किया गया सस्पेंड। दिल्ली भाजपा मीडिया प्रभारी नवीन जिंदल भी हुए सस्पेंड। कानपुर हिंसा मामले में अब तक 29 लोग गिरफ्तार। कोयला खनन का विरोध कर रहे लोग सबसे पहले अपने घर में एसी बंद करें, छत्तीसगढ़ के सीएम। छत्तीसगढ़ में मनरेगा के 12,371 संविदा कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से दिया इस्तीफा। प्राकृतिक खेती के लिए बनाएंगे विशाल कॉरिडोर, विश्व पर्यावरण दिवस पर पीएम मोदी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने उत्तराखंड में 18 किलोमीटर ट्रैक पर सुदूर मतदान केंद्र का किया दौरा। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों द्वारा छोड़ी गई साइकिल, यूपी में 21.2 लाख में की गई नीलाम। देवेंद्र फडणवीस का कोविड-19 टेस्ट आया पॉजिटिव। पंजाब में केंद्रीय जेल ब्रेक की सूचना पर अलर्ट हुई पुलिस, भारी फोर्स तैनात। वाराणसी पहुंचे राष्ट्रपति, बाबरपुर हवाई अड्डे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया स्वागत। दिल्ली के मंत्री ने सरकारी दफ्तर में एसी नहीं चलने पर अफसरों को डांटा, सामने आया वीडियो। गुरुग्राम की एक अदालत ने हत्या के दोषी को सुनाई आखिरी सांस तक उम्र कैद की सजा। बिहार में घर में पंखे से लटके मिले 5 शव, कर्ज के जाल में फंसकर खत्म हो गया परिवार। केके के अंतिम कॉन्सर्ट को लेकर ब्लॉगर ने ममता बनर्जी को कहे अपशब्द, केस हुआ दर्ज। अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज ने 2 दिनों में कमाए 23.3 करोड़ रुपए। अभिनेता आदित्य रॉय कपूर की कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट आई पॉजिटिव। सिद्धू मूसेवाला के घर जाएंगे अभिनेता संजय दत्त। दुनिया भर में 100 करोड़ की कमाई करने वाली कमल हसन की तीसरी फिल्म बनी विक्रम। आईफा अवार्ड्स 2022 में एक साथ बैठे दिखे सलमान और अभिषेक, वायरल हुई तस्वीरें। 12 साल बाद अलग हो रहे शकीरा और जेरार्ड पीके, किसी फिल्म कहानी से कम नहीं दोनों की लव स्टोरी। ब्रेकिंग सिस्टम में खराबी के कारण मर्सिडीज दुनिया भर से 10 लाख कारों को वापस मंगाएंगे।